Hello students. So students, in this video today we are going to read chapter Little Tiger Big Tiger. It's an English chapter of class 3rd. Chapter की reading करेंगे हम लोग, plus इसमें कुछ जो आपके new words आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, उनके meaning समझेंगे और chapter को हिंदी में explain करेंगे और then question answers discuss करेंगे. Okay, so let's begin now. और इस chapter की quiz already upload करी जा चुकी है, तो पहले आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिए. नीचे लिंक दे दूंगी मैं आपको कमेंट सेक्शन में. सो देर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब. एक बार मदर टाइगर थी, टाइग्रेस जिसको आप बोलते हैं, और उसका लिटिल टाइगर कब था. तो एक चीज़ यहाँ से आपको पता लगती है कि टाइगर के बेबी को हम क्या बोलते हैं, कब. दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल. वो एक रिवर के पास शेडी जंगल में रहते थे. शेड्स जिसमें यानी कि घना जंगल था बहुत. When the sky was dark, जब sky dark हो जाता था, sky dark हो जाना मतलब darkness, अंधेरा हो जाता था सब जगह. The mother tiger hunted for deer and pig. तो mother tiger deer और pig को hunt करती थी, शिकार करती थी उनका. The tiger cub stayed close by his mother's side. और जो tiger cub है वो अपनी mother के पास में closely रहता था. Because आप जानते हैं जो एनिमल के बेबीज़ होते हैं वो पास में रहते हैं, एक तो हंटिंग भी सीखते हैं और ताकि वहाँ पर सेफ भी रहें वो अपने मदर के साथ. सो वेन द लंगूर मंकी saw her, जैसे लंगूर मंकी उसको देखता था, ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल. तो आपको पता है जो आपकी बर्ड्स, मंकी और स्लोथ ऐसे जो एनिमल ट्रीज पर रहते हैं, वो पहले ही अगर टाइगर लायन आता है तो पहले शोर मचा देते हैं जिससे कि बाकी जो एनिमल्स हैं वो सतर्क हो जाए. तो ऐसे लंगूर मंकी ने भी किया, उसने कहा वॉच आउट, ध्यान दो, अ टाइगर इज कमिंग, एक टाइगर आ रहा है. द सांबर डियर बेलोड, तो सांबर डियर जो था उसने भी बेलो किया. बेलो मतलब चीखना, जब आप डीप वॉइस में बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं उसको बेलो बोलते हैं. तो सांबर डियर ने भी बेलो किया, ज़ोर से चिल्लाया वो. द काकर डियर बार्क्ड, काकर डियर ने बार्क किया. एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे, और कई बार क्या होता है कि ये जो गेम है टाइगर्स का हंट करने का, वो शिकार भाग जाता है जिसको वो हंट कर रही है और गेम ख़त्म हो जाता है वहीं पर. She hunted then for jungle fall. तो फिर उसने जंगल में fall, pheasants, दोनों ही fall and pheasants या आपके birds हैं दोनों ही, and for frog. और frog के लिए जब उसको बहुत बड़े जानवर नहीं मिलते हैं, because उनको जो monkey है and deer जो है वो bark करके उनको भगा देते हैं, तो फिर वो कुछ birds जो कि ज़मीन के ऊपर चलती हैं या फिर फ्रॉग जो होते हैं छोटे, इन्हीं को ही हंट करती है. और वेंट टू द टाइगर फॉर फिश, या फिर वेंट टू द रिवर, सॉरी, या फिर रिवर के पास फिशिंग के लिए चली जाती है, फिश को कैच करके खाती है. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो रोज़ रात को हंट नहीं करती है. इफ़ द मून वॉज ब्राइट, अगर मून ब्राइट है किसी दिन, द मदर टाइगर ले डाउन, तो वो आराम से लेट जाती है. एंड वेटेड फॉर द डॉन, और फिर डॉन होने का, डॉन यानी कि सुबह होने का इंतज़ार करती है. डॉन और डस्क एक्चुअली टाइम होता है, डॉन होता है सूरज की, जब सूरज दिखता नहीं है आपको लेकिन रोशनी हो जाती है उसको हम बोलते हैं डॉन. तो वो डॉन होने का वेट करती है, अगर किसी दिन मून ब्राइट है, अंधेरा नहीं है तो. ओके, शी ट्विच द टिप ऑफ हर टेल, अपनी टेल की जो टिप है उसको ट्विच करती है. ट्विच होती है एक सडन मोमेंट, जिसे आप ऐंठना बोल सकते हैं हिंदी में. तो अपनी टेल को ट्विच करती है. एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और जो टाइगर कब है वो उसकी टेल के ऊपर पाउंस करता है, कूदता है बार बार. देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये कब है और ये मदर है, सिर्फ पूंछ ही दिखाई गई है उनकी. ओके, इफ़ ही वेंट टू फार अवे, अगर वो बहुत दूर चला जाता है कब, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद लो क्वाइट ग्रंट, तो मदर टाइगर ग्रंट करके उसको लो धीमी आवाज़ में बुलाती है धीरे से. द टाइगर कब केम बैक, तो टाइगर कब वापस आ जाता है. बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन रात में उसको अपनी मदर के साथ रहना जंगल में पसंद नहीं है. जैसे आप जानते हैं आप भी थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो सेम सिमिलरली उसी की भी वही इच्छा है कि वो खुद हंट करे स्मॉल एनिमल्स का और अकेला देखे कि कैसा है जंगल. वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज हर आइज, एक रात को मदर टाइगर जो है वह टायर्ड होती है, थकी होती है, तो वो अपनी आंखें क्लोज करती है. द टाइगर कब सो अ टाइनी फ्रॉग, तो टाइगर कब को एक टाइनी छोटा सा फ्रॉग दिखाई देता है, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड,
जो कि ग्राउंड के ऊपर हॉप कर रहा होता है. द टाइगर कब पाउंस्ड, टाइगर कब उसके ऊपर पाउंस करता है, उछलता है. द फ्रॉग हॉप्ड अवे, आपको पता है फ्रॉग हॉप करता है. हॉप आपके जैसे कि कैंगरू हुआ, टाइगर हुआ, सॉरी फ्रॉग हुआ एंड रैबिट हुआ, ये सारे एनिमल्स हॉप करते हैं, उछल कूदते हैं, इनकी जो मूवमेंट है. तो वो हॉप करता है आगे. ही चेज द फ्रॉग, वो फ्रॉग को चेज करता है, उसका पीछा करता है. एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लेता है. एंड टर्न टू शो हिज मदर, और अपनी मदर को दिखाने के लिए जैसे टर्न होता है. बट शी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन उसको वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है नज़रों में. जहाँ तक उसको दिख रहा था वहाँ पर मदर, वहाँ तक उसको मदर टाइगर नहीं दिखती है. इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर, उसके बदले में उसको एक टाइगर दिखाई देता है, बिगर दैन हिज मदर, जो कि उसकी मदर से बहुत बड़ा है. नियर हिम इन द जंगल, जंगल के पास में. कहने का मतलब है वो एक्चुअली में फ्रॉग का पीछा करते हुए काफ़ी दूर आ गया था जहाँ पर उसकी मदर सोई हुई थी उससे. द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिस्टन, टाइगर की जो ग्रीन आइज थी, आइज का कलर यहाँ पर ग्रीन बताया गया आपको, ग्लिस्टन कर रही थी. ग्लिस्टन मतलब होता है चमकना, शाइन करना. एज ही वॉच द टाइगर कब, जब वो टाइगर कब को देख रहा था, बड़ा टाइगर, तो उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी. द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, टाइगर कब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है. ही कुड नॉट हाइड और रन, और वो भाग भी नहीं पाता और हाइड नहीं कर पाता, छुप नहीं पाता वहाँ से. ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, वो फ्रॉग को छोड़ देता है, फ्रॉग हॉप करके दूर चला जाता है. द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द टाइगर कब, तो जो टाइगर है, बड़ा जो टाइगर है, वो टाइगर कब के पास क्रीप करके धीरे धीरे से उसके पास आता है. बट अ रोर फिल्ड द जंगल, लेकिन तभी एक दहाड़ने की आवाज़ आती है जिससे पूरा जंगल भर जाता है. द रोर ऑफ द मदर टाइगर, ये कौन रोर कर रहा है इतनी ज़ोर से, मदर टाइगर. शी फेस द अदर टाइगर, वो दूसरे टाइगर को फेस करती है. एंड ही वेंट अवे, और वो डर के वापस चला जाता है. द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर, मदर टाइगर को रोर करना बहुत पसंद है. अ लाउड बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल दैट इन द जंगल शी वॉज देयर, ताकि बाकी एनिमल्स ये जान ले कि जंगल में वो वहीं पर है. एंड ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, और बाकी जो जंगल के एनिमल्स हैं वो उसका जो टाइगर कब है उससे बहुत दूर रहे. होता है ना कि जितने भी, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स हैं उनके अपने एरियाज होते हैं, सिमिलरली जंगल्स में जो टाइगर लायन होते हैं इनके अपने एरियाज होते हैं. ओके, सो उसके एरिया में कोई एंटर ना कर पाए. द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, अब जो टाइगर कब है उसको भी रोर करना बहुत पसंद है. अ लाउड टाइगर कब रोर, वो भी जैसे टाइगर कब की लाउड जोरदार जो दहाड़ता है उस तरीके से उसको बहुत पसंद है रोर करना. टू टेल ऑल अदर एनिमल्स दैट इन द जंगल ही वॉज देयर, ताकि बाकी जंगल के जानवर भी ये जान लें कि वो भी वहाँ पर है. बट ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे, लेकिन कोई भी उनकी रोर से डरता नहीं है जंगल में, कोई भी उनकी रोर सुन के भागता नहीं है. बट देयर केम अ ईयर, लेकिन एक ऐसा साल आया फिर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज फुल ग्रोन टाइगर, पहले उसकी आवाज़ उसके दहाड़ना सुन के कोई दौड़ता नहीं था क्योंकि वो छोटा सा स्मॉल टाइगर कब था, लेकिन कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है, फुल ग्रोन टाइगर बन जाता है. ही वॉक्ड फॉर माइल्स अलोन, और वो कई मीलों अकेले चलता है. हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, रात को हंट शिकार के गेम के लिए. व्हेन ही रोड टू टेल ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, और जब वो रोर करता है जो लोगों को, जो वहाँ के जंगल के अदर एनिमल्स हैं उनको बताने के लिए कि मैं भी हूँ यहाँ पर. ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार अवे, बाकी फार फार अवे, बाकी जो जंगल के एनिमल्स हैं वो उससे बहुत बहुत दूर रहते हैं. एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, हेयरिंग इज ओन लाउड रोर स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, और जब वो जो टाइगर है बड़ा, जब वो सोचता है कि मैं कभी एक छोटा सा स्मॉल टाइगर कब था और अब अपनी आवाज़ सुनता है इतनी ज़ोरदार जो है लाउड रोर है उसकी, तो अपने आप में स्माइल करता है जैसे कि एक बिग टाइगर स्माइल करता है. ओके, सो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे इसमें. शेडी, शेडी घना जंगल, वैसे शेड मतलब छाया होती है. बिलो करना, जोर से चिल्लाना. ट्विस्ट, एटना होता है या फिर एक सडन मोमेंट जो होती है किसी चीज़ में. पाउंस करना, उछलना. ग्रंट, ज़ोरदार फिर से ग्रंट करना, दहाड़ना. गेम आपको पता, ग्लिस्टन, ग्लिस्टन मतलब होता है चमकना. रोर, दहाड़ना, ये भी आपको पता है. फीजेंट और फॉल, ये आपके दो बर्ड्स के नाम है, आपने देखिए तो वेरी गुड, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं इनको. ओके,
सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब लिव. मदर टाइगर और स्मॉल कब जो था वो कहाँ पर रहते थे. आपके ऑप्शन है नियर अ रिवर, एक रिवर के पास, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन, नियर अ सी. तो वो रहते थे नियर अ रिवर, एक रिवर के पास एक जंगल था जिसमें वो दोनों रहा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड मदर टाइगर हंट वेन द स्काई वॉज डार्क. जब स्काई डार्क हो जाता था तो मदर टाइगर किन को हंट करती थी. शीप एंड गोट, डियर एंड पिग, फिश एंड फ्रॉग या फिर डोंकी एंड हॉर्सेस. तो वो किस किन दो एनिमल्स के नाम आपको दिए हुए हैं यहाँ पर. वो हंट करती थी डियर एंड पिग्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज वॉट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट. एक रात को टाइगर कब ने किसको कैच किया. अ डियर, अ पिग, अ फ्रॉग, अ कैट. तो देखिए डियर और पिग को फ्रॉग कैच करने के लिए तो टाइगर कब बहुत छोटा था, तो उसने फ्रॉग को कैच किया था. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब वेन ही चेस्ड द फ्रॉग. जब वो फ्रॉग को चेज कर रहा था, फ्रॉग का पीछा कर रहा था, तो लिटिल टाइगर कब को क्या हुआ बताइए. तो वो बहुत दूर चला गया अपनी मदर से. He went far away from his mother and got lost in the jungle. और जंगल में खो जाता है वो. Although वो टाइगर जो वो फ्रॉग होता है उसको कैच कर लेता है, बट स्टिल तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके बेबीज़ के नाम दिए हुए हैं. आपको एनिमल्स को उनके बेबीज़ के नाम के साथ मैच करना है. सो द फर्स्ट वन इज़ हॉर्स. देखिए हॉर्स का बेबी भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये है. और हॉर्स के बेबी को हम लोग कॉल्ट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको कर लीजिएगा ज़रूर. नेक्स्ट इज़ डॉग. डॉग का बेबी आपको, एक सेकेंड, ये देखिए ये दिया हुआ. और डॉग के बेबी को हम लोग पपी बोलते हैं. कैट, कैट का बेबी ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर. और कैट के बेबी को हम लोग किटन बोलते हैं. काव, ये काव का बेबी है, इसको हम लोग काफ बोलते हैं. तो हॉर्स, कॉल्ट, डॉग, पपी, कैट, किटन, काव, काफ. पिग, एक सेकेंड, पिग देखिए ये रहा, पिग का बेबी, इसको पिगलेट कहते हैं. टाइगर, ये टाइगर का बेबी है, इसको कब कहते हैं. शीप, शीप का बेबी को आप हम लोग डक, सॉरी डक कहाँ है इसमें, डक का डकलिंग तो है ही नहीं. डीप के शीप के बेबी को तो लैम कहते हैं इसमें. ओके नीचे है, सॉरी सॉरी सॉरी. ये देखिए शीप का बेबी लैम ये रहा. नेक्स्ट इज गोट. गोट के बेबी को आप लोग किड बोलते हैं. डक, डकलिंग ये रहा, ये आपका ये गोट का बेबी है. शीप एंड डक, डकलिंग. ओके सो ये आपके बेबीज़ के नाम है, इनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे कि किसी एनिमल का नाम बन सकता है. जैसे ए टी सी, या एक्चुअली में सी ए टी होगा, कैट. तो सबसे पहले देखिए एस ई एम ओ यू, ये एक्चुअली में आपका माउस है. एम ओ यू एस ई, पहले एम आएगा, देन ओ, देन यू, देन एस एंड देन ई लास्ट में. नेक्स्ट इज आर ई एस ओ एच, ये हॉर्स होगा आपका. एच ओ आर एस ई. नेक्स्ट इज ओ आई एन एल, ये आपका लायन होगा. एल आई ओ एन. नेक्स्ट इज पी ई एस एच ई, ये शीप है आपका. एस एच डबल ई पी. नेक्स्ट इज आर ई डी ई, ये डियर है आपका. डी ई ई आर. नेक्स्ट इज एल यू बी एल, तो ये होगा आपका बुल. बी यू डबल एल. नेक्स्ट इज जी आई टी ई आर, ये टाइगर होगा. टी आई जी ई आर. नेक्स्ट इज एफ ओ एल डब्ल्यू, ये वुल्फ है. डब्ल्यू ओ एल एफ. ओके सो ये आपके जंबल वर्ड्स हैं जिनसे कि एनिमल के नेम बन सकते हैं आपके. नेक्स्ट आपको एनिमल्स दिए हुए हैं और आपको मैचिंग करनी है उनके होम्स के साथ. जैसे बी, बी का हाउस देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन. सो अ बी लिव्स इन बी हाइव, तो ये रहा हाइव. यस तो ये हाइव में रहती है, इसको हम बी हाइव बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता. नेक्स्ट इज एंट. एंट का घर आपका ये रहा, देखिए. तो एंट जो रहते हैं ये एंट हिल में रहती है. सो ऑप्शन इसका लास्ट का डी, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है. डक, डक देखिए पॉन्ड में रहती है आपकी. सो डक पॉन्ड, इसको यहाँ से मैच कर देंगे आप. नेक्स्ट इज टाइगर. टाइगर आपका डेन में रहता है, इसके सामने ही दिया हुआ है. रैबिट, रैबिट का घर ये रहा, ये रहा. सो ये रैबिट का हाउस है, ये एक्चुअली एक होल में रहता है और जिसको हम लोग बरो बोलते हैं. ओके नेक्स्ट है स्पाइडर. स्पाइडर आपको पता होगा ये जाल बनाती है, जिसको कि हम लोग वेब बोलते हैं. स्पाइडर वेब. स्पैरो, स्पैरो तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स आपकी नेस्ट बनाती है. सो स्पैरो का नेस्ट के साथ आप मैच कर देंगे. तो ये आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बेबीज़ के नाम, उनके हाउसेस के नाम आपको पता होने चाहिए.
नेक्स्ट, ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आपको टीम वर्क करना है, कुछ इसमें एक ग्रुप बनाकर और क्लास में एक्टिंग करनी है इस चैप्टर की। नेक्स्ट है आपका इट, आई गिव वुल, मैं आपको वुल देती हूँ। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर फिल किया हुआ है शीप। नेक्स्ट इज आई ले एग्स, सेकेंड नंबर पे आपको जो एग ले करता है वो फिल करना है, सो एच ई एन, यहाँ पर आप हेन फिल कर देंगे। नेक्स्ट है आई गिव यू मिल्क, थर्ड नंबर पर आपको मिल्क देने वाली एक उसका नाम लिखना है जिसमें बीच में ओ आता हो, तो दिस इज सी ओ डब्ल्यू, काओ। नेक्स्ट इज आई कैरी लोड्स, फोर्थ नंबर पर आपको लिखना है एक ऐसे एनिमल का नाम जो कि लोड्स कैरी करता है, सो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डंकी, डी ओ एन के ई वाई, ओके ई यहाँ पर है। नेक्स्ट इज आई नी, नी कौन करता है, हॉर्स की जो साउंड है उसको हम नी बोलते हैं, वेरी फिफ्थ, यस एच ओ आर एस ई, सो ये हॉर्स हो गया आपका। नेक्स्ट इज आई लिव इन स्टाई, स्टाई में जो रहता है एनिमल उसको हम पिग बोलते हैं, सो पी आई जी, यहाँ पर आप पिग फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज आई ब्लीट, ब्लीट कौन करता है, ब्लीट किसकी साउंड है आपकी, ब्लीट है आपकी जी ओ ए टी, गोट की साउंड। एंड द लास्ट वन इज आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये आपको पता होगा शिप ऑफ द डेजर्ट आपका कैमल होता है, सी ए एम ई एल। तो ये आपके ब्लैंक्स फिल हो गए एंड दिस इज़ योर चैप्टर, ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिया, चैप्टर आपको हम श्योर समझ में आ गया होगा एंड ये क्वेश्चन आंसर्स है। अगेन इसका जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो क्विज़ है उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगी, अब आप सभी इसकी क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।